अगर गाइस यहाँ पे प्रपोज्ड है कि कुछ ऐसी AI 3D पिक अगर आप बनाना चाहते हैं तो आज के इस वीडियो में मैं इसका प्रॉम्प्ट आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पे कैसे अपने नाम के साथ में गाइस यहाँ पे कुछ ऐसी पिक जो है बना सकते हैं। आप अपना नाम लिख सकते हैं, अपने पार्टनर का नाम जो है यहाँ पे लिख सकते हैं, और यहाँ पे कुछ ऐसे प्रपोजल रिंग के साथ में गाइस यहाँ पे ऐसा कुछ जो है आप AI पिक को बना सकते हैं। जैसा कि गाइस आप लोग देख सकते हैं कितनी कमाल की ये पिक लग रही है। ऊपर यहाँ पे गाइस आप चाहे तो अपना खुद का नाम और अपने पार्टनर का नाम आप जो है गाइस यहाँ पे लिख पाएंगे। देख सकते हैं मैंने कई सारी पिक जो यहाँ पे क्रिएट की है, तो आप लोगों को भी यहाँ पे तरीका बताऊंगा। आप लोग एक चीज देख रहे होंगे गाइस पिक में, यहाँ पे जो कॉर्नर में आप लोग देख रहे होंगे एलविश इफेक्ट मैंने यहाँ पे डाला है, थोड़ा थोड़ा सा एलो इफेक्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे सारी चीज गाइस मैं आपको बताऊंगा। अगर आप यहाँ पे जो है एलो इफेक्ट डालना चाहते हैं तो ये डाल सकते हैं, अगर आप रेड डालना चाहते हैं या कोई और अदर कलर का इफेक्ट डालना चाहते हैं वो भी डाल सकते हैं। प्लस गाइस यहाँ पे अगर आप बैकग्राउंड में ब्लैक नहीं चाहते, कोई और बैकग्राउंड चाहते, किसी और कलर का बैकग्राउंड चाहते हैं, तो वो सब भी आप जो है कस्टमाइज कर पाएंगे अपने हिसाब से गाइस यहाँ पे जो भी आप बैकग्राउंड रखना चाहें। इसके लिए आपको सबसे पहले आपके फ़ोन में बिंग एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना होगा। जैसा कि गाइस आप लोगों को पता ही होगा माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से आता है, प्ले स्टोर पर आपको बिंग एप्लीकेशन मिल जाएगा। तो आपको सिंपली यहाँ पे बिंग एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद में गाइस यहाँ पे बीच की साइड में आपको यहाँ पे को पायलट का ऑप्शन जो है देखने को मिल जाएगा। यहीं से गाइस हम पिक वगैरह जनरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे गाइस सिंपली को पायलट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में यूज GPT-4 का ऑप्शन आ जाएगा, इसको आपको सबसे पहले एनेबल कर लेना है, तभी आपकी जो पिक है वो यहाँ पे क्रिएट होगी। तो यूज GPT-4 वाला ऑप्शन सबसे पहले गाइस यहाँ पे ऑन कर लेना है। इसको ऑन करने के बाद में गाइस यहाँ पे आप जो है आपको देखने को मिलेगा आस्क मी एनीथिंग, इस पे जाना है और यहाँ पे प्रॉम्प्ट को पेस्ट कर देना है। अब ये प्रॉम्प्ट आपको कहाँ से मिलेगा अभी मैं आपको बता दूंगा। मैंने ऑलरेडी प्रॉम्प्ट को कॉपी करके रखा है, चलिए पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे गाइस देख सकते हैं मैंने प्रॉम्प्ट को पेस्ट कर दिया है। अब यहाँ पे गाइस जो है आप अपना नाम खुद का लिख सकते हैं। जैसा कि गाइस आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे नाम थोड़ा सा एडिट कर लेना, आप अपना नाम और अपने पार्टनर का नाम आप लिख देना, यहाँ पे देख सकते हैं इसी जगह पे आपको लिखना है। इसके बाद में गाइस यहाँ पे जो मैंने आपको एलो इफेक्ट बताया था, जो मैंने पिक के कॉर्नर पे जो है दिया था, तो वो इफेक्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने एलोइश इफेक्ट लिखा है। आप अपने हिसाब से यहाँ पे इसको सिलेक्ट करके अलग अलग इफेक्ट, अलग अलग कलर के इफेक्ट डाल सकते हैं। अगर आपको ब्लूइश चाहिए या अगर आपको रेडिश चाहिए तो अलग अलग यहाँ पे इफेक्ट जो है गाइस यहाँ पे डाल सकते हैं अपने हिसाब से। अपने हिसाब से यहाँ पे कलर को सिलेक्ट कर सकते हैं, साथ ही साथ बैकग्राउंड भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। बैकग्राउंड अगर ब्लैक रखना चाहे, ब्लू रखना चाहे, मैंने जहाँ पे ब्लैक लिखा होगा वहाँ पे आप ब्लू कर देना, रेड कर देना, तो उसी हिसाब से बैकग्राउंड आपको देखने को मिल जाएगा। इतना लिखने के बाद में गाइस यहाँ पे सिंपली इसको सेंड कर देना है। फिर यहाँ पे गाइस थोड़ी देर आपको वेट करना है, ये 4 टाइप से पिक को क्रिएट करेगा। जो भी पिक आपको पसंद आती है उसको सेव कर लेना। अगर इनमें से कोई से भी पिक आपको नहीं पसंद आती है तो अगेन से यही सेम प्रॉम्प्ट आपको लिख देना है और अगेन से ये अलग अलग डिफरेंट जो है रैंडम पिक्स बना देगा। तो यहाँ पे गाइस देख सकते हैं यहाँ पे 4 टाइप से इसने अलग अलग पिक बनाई है। देख सकते हैं कितनी कमाल की पिक इसने क्रिएट की है गाइस। और यहाँ पे आपको जो भी पिक सेव करना है उस पिक पे क्लिक करना है, वो जूम हो जाएगी, उसके बाद में आप सेव कर सकते हैं। नीचे यहाँ पे एक ऑप्शन और भी, कैन यू एड सम फ्लावर्स इन द बैकग्राउंड इन द इमेज, यहाँ पे इसको क्लिक करेंगे तो इमेज में ये कुछ फ्लावर्स भी एड कर देगा। अगर आप यहाँ पे ये वाला प्रॉम्प्ट सेंड करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे सेंड कर दिया, थोड़ी देर यहाँ पे वेट करना है और ये जो है अभी जो पिक क्रिएट करेगा उसमें कुछ फ्लावर्स भी यहाँ पे बैकग्राउंड में एड कर देगा आपकी इमेज में। तो यहाँ पे गाइस देख सकते हैं इसने अलग अलग 4 पिक बना दी और इस बार इसने बैकग्राउंड में यानी इमेज में गाइस यहाँ पे कुछ फ्लावर्स भी ऐड कर दिए हैं। तो अपने हिसाब से जो भी इमेज में आप ऐड करना चाहें वो आप लिख सकते हैं। अब यहाँ पे जो भी पिक आपको सेव करनी है, जैसे ये वाली सेव करनी है तो इस पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। जो भी पिक आपको सेव करनी है सबसे पहले गाइस उस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, यहाँ पे ओरिजिनल है, बाकी यहाँ पे इफेक्ट भी बहुत सारे अलग अलग इफेक्ट में अगर आप सेव करना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पे आप जो लगा सकते हैं। जैसे पिक्सल आर्ट है, वाटर कलर है, वाटर कलर में चाहते हैं तो वही सेम पिक जो है वाटर कलर में बन जाएगी। तो ऐसे हिसाब से अपने हिसाब से इफेक्ट वगैरह यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो ओरिजिनल चाहते हैं ओरिजिनल पे क्लिक कर देना है। उसके बाद में पिक आपकी थोड़ी देर में यहाँ पे गाइस ओपन होके आ जाएगी। अब यहाँ पे गाइस देख सकते हैं पिक हमारी आ चुकी है, काफी ज्यादा अच्छी लग रही है, अमेजिंग लग रही है। यहाँ पे हार्ट में जो है नाम लिखा हुआ है दोनों का देख सकते हैं, और यहाँ पे ये रिंग जो है इसको पहना रहा है। तो यहाँ पे गाइस जो है काफी ज्यादा अमेजिंग पिक किसने क्रिएट की है। अब अगर आपको इसको डाउनलोड करना है, ऊपर 3 डॉट पे आपको जाना है और यहाँ पे सिंपल से डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा, इस पे चले जाना और थोड़ी देर आपको वेट करना है, ये अगला पेज ओपन कर देगा जिसमें पिक आपकी जूम होकर आ जाएगी। अब इस पे लॉन्ग प्रेस कर रखना है और डाउनलोड इमेज पे क्लिक कर देना है, आपकी इमेज जो है गैलरी में डाउनलोड होकर सेव हो जाएगी। तो ऐसे करके गाइस आप जो यहाँ से पिक को डाउनलोड भी कर सकते हैं। अब ये प्रॉम्प्ट आपको कहाँ से मिलेगा, तो आपको आना है गाइस मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे, मुझे फॉलो कर लेना है और यहाँ पे मेरे इंस्टाग्राम आईडी के ही गाइस जो है यहाँ पे बायो में ये जो है आपको मिल जाएगा। यहाँ पे मेरे इंस्टाग्राम आईडी का आप नाम देख सकते हैं, टेक्नोरेंज ऑफिशियल के नाम से आपको सर्च करना है। अब यहाँ पे बायो में आप आएंगे तो यहाँ पे वन मोर लिंक आपको मिलेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा और मेरे टेलीग्राम चैनल पे ही गाइस इसका जो प्रॉम्प्ट है वो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, जिसको आप जो है कॉपी कर सकते हैं और बाद में आप उससे जो है AI इमेजेस को जनरेट
कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दें, चैनल पर नया है सब्सक्राइब भी कर दें। मिलते किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।